अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वक्त बच रहे हैं शाम के 5:30 और मैं आई थी अपने गार्डन में ज़रा सा घूमने ऐसे ही, इसलिए कि प्लांट्स माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो रहे हैं और मैंने सोचा कि चले जनाब आप लोग को जल्दी से एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ कुछ प्लांट्स का। अच्छा, पिछले गार्डन में जो मैंने प्लांट्स लगाए हैं वो उसमें कुछ दिनों बाद आपको ओवरव्यू दूँगी, वो भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मैंने काफ़ी अर्से से आपको नहीं दिखाए हैं। अच्छा, ये देखें आप, ये जो मेरा प्लांट है ये है मेरा इमली का प्लांट और माशाल्लाह से ये अब दोबारा से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई। ये बहुत बहुत ऊंचा हो गया है, ये आप देखिए कितना ऊंचा हो गया है। असल में हुआ ये कि ये प्लांट सूख गया था मेरा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पानी नहीं डल सका, तो उसकी वजह से काफ़ी इसके लीव्स, लेकिन दोबारा से, और ये इतना हार्डी प्लांट है कि आप जैसे ही पानी डालना शुरू करते हैं इसमें लीव्स निकलना शुरू हो जाते हैं और इतनी खूबसूरत इसके लीव्स हो जाते हैं, देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। मैंने कई वीडियोज़ पर बनाई है जिससे आप लोगों ने देखा भी होगा। और साथ ही यहाँ पर मेरे पाम के कुछ प्लांट्स हैं, कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं, कुछ मैंने रूई तक रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगी। और यहाँ देखें, ये है मेरा अपराजिता का जिसको मैंने सीड से लगाया था और माशाल्लाह से इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। एक दुका फ्लावर भी निकल आए थे, अभी मज़ीद फ्लावर निकलेंगे। और आप लोग प्लांट्स देखते जाइए, मैं सबका नाम बताना शुरू करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने कई दफ़ा आप लोग को ये इसके बारे में बताया भी है। चलिए आप लोग देखते चलिए। यहाँ पर हाँ, कुछ के नाम मैं बता देती हूँ। ये ड्रेसिना का प्लांट है जो माशाल्लाह से बहुत ऊंचा हो गया है, आप ही देखिए कितना ऊपर की तरफ चला गया है। तो बड़े बड़े प्लांट मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। यहाँ देखें, ये है बैम्बू पाम और बैम्बू पाम को आप देखिए कितना माशाल्लाह से बहुत बहुत ऊँचा हो गया है और बहुत अच्छी ग्रोथ है। ये प्लांट भी बहुत अच्छा प्लांट है, इसको भी आप ज़रूर लगाइए। इसी के साथ आप यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ भी बहुत सारा, हाँ आप ये देखिए, ये मेरे एलिमेंडा के जो प्लांट है बुशी प्लांट, उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, काफ़ी दिनों से हो रही है, फ्लावर्स निकलते रहते हैं। यहाँ पर भी मेरे हिबिस्किस हैं जिसमें फ्लावरिंग होती रहती है। यहाँ पर आए, काफ़ी अच्छी प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है, आप ये देखिए। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर मेरे एस्पैरिगस फर्न की फाइन है, यकीन जाने इतनी खूबसूरत है और 3-4 जगह ये मेरे घर में लगी हुई है और इतनी अच्छी लग रही है। अभी तो मैं इसको ऊपर चढ़ाया तो ये जनाब नीचे गिर गए, मैंने कहा चले छोड़े, बाद में मैं दोबारा से चढ़ा दूँगी इनको। आप ये देखिए, इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, बड़े खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए। अगर आप यहाँ आते हैं और मेरा गार्डन कुछ यहाँ से इस तरह से इसकी लुक आती है, आप ये देखिए कुछ इस तरह से आती है इसकी लुक। ये मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, फिर आगे तक हमारे प्लांट हैं वो दूर तक आप देखिए उधर, और फिर बैक साइड पर भी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप घूमने निकले ना आप यहाँ से वहाँ तक, तो बड़ा अच्छा लुक आता है। तो ये देखें, इस तरह से ऊपर भी प्लांट्स रखे हुए हैं, नीचे भी रखे हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। साथ साथ सदाबहार तो माशाल्लाह से भाई सदाबहार है, इसमें तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। और अगर आप इधर आते हैं तो आप देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मेरे बहुत सारे सिंगोनियम रखे हैं। सिंगोनियम को मैं एक जगह रखूँगी, कुछ सिंगोनियम यहाँ पर हैं, कुछ दूसरी जगह पर है, लेकिन सिंगोनियम रियली बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, इसको आप ईजीली अपने घर में लगा सकते हैं। यहाँ पर आए तो मनी प्लांट है, मनी प्लांट की वैरायटीज़ हैं एक दो तरह की, आप ही देखिए मॉन्स्टेरिया है। और यहाँ आप देखें, यहाँ पर भी देखें आप, पिंक सिंगोनियम है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे स्पाइडर प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। ये देखिए मेरा फ्लोडेंड्रॉन है, फ्लोडेंड्रॉन की भी बहुत सारी वैरायटीज़ मेरे पास हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं, इतने अच्छे प्लांट्स होते हैं इनके। ये देखिए, यहाँ देखिए आप मनी प्लांट एंजॉय पोथोस, बहुत ज़बरदस्त। अगर आप यहाँ आए तो फ्लोडेंड्रॉन की एक वैरायटी यहाँ पर भी रखी है, माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त लीव इनके होते हैं। ये है अरिका पाम। और इसी के साथ अगर आप इधर आएँ तो यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया यहाँ रखा हुआ है, आप ये देखिए, ये रखा हुआ है सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसकी एक वैरायटी है। यहाँ पर आए, इसके अलावा टिकोमा जो वाइन है इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, बड़े खूबसूरत फ्लावर्स इसके होते हैं, अब निकलने स्टार्ट दोबारा से हुए हैं मेरे इसके अंदर। और साथ आप देखिए इधर आएँ, आप ये देखिए बटरफ्लाई जो मेरा प्लांट है पर्पल शेवरॉक, उसकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। साथ मेरे यहाँ पर कुछ रखे हुए हैं मेरे यहाँ कोलियस, और साथ ही आप देखें ये वाइन रखी हुई है, ये है जनाब, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये है हमारे जो स्वीट पोटैटो वाइन और निमेंटल जो होती है ये वो है, ये ब्लड लीफ प्लांट, आप ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसके हो रहे हैं। यहाँ पर भी सारे प्लांट बहुत अच्छे हो रहे हैं, और खुशी मुझे इसलिए हो रही है कि बीमारी के बाद
अब जब सारे प्लांट दोबारा से अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं तो देख देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जगह सदाबहार के मैं सोची बहुत सारे प्लांट लगाऊं, इसलिए कि मेरे पास इतने सारे उसके प्लांट हो गए हैं और मैंने उनको जगह जगह लगाया। अब उसको कलेक्ट करके एक जगह लाऊं और उनकी कुछ कटिंग भी कर लूं ताकि ये जो लंबे लंबे हो रहे हैं वो यहाँ से थोड़े से कम हो जाए। साथ ही आप ये देखिए, ये देखिए इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं, है ना, एक्सोरा के प्लांट। तो जनाब इस तरह से मैंने कहा छोटी सी आपको वीडियो बना के दिखा दूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर भी सारे बहुत अच्छे हो रहे हैं। यहाँ आए आप देखें पेंसिल कैक्टस, तो माशाल्लाह से इनकी तो बात ही और है, इस कदर खूबसूरत हो गया है। और ऊपर जो प्लांट रखे हैं वो भी सारे अच्छे हैं। अच्छा वो पानी रहना मुझसे हमेशा रह जाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि डाल दूँ पानी, लेकिन कभी रह भी जाता है, लेकिन जनाब वो अच्छे रहे। यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट सारे बहुत अच्छे तरीके से आप ही देखिए ग्रो कर रहे हैं। तो मैंने इस तरह उनको जोड़ जोड़ के रखा हुआ है, इसलिए कि अगर मैं अलग अलग रखती हूँ तो जगह कम पड़ जाती है। लेकिन हाँ ये ज़रूर करना पड़ता है कि आगे पीछे करना पड़ता है, कभी यहाँ रखना पड़ता है, कभी वहाँ रखना पड़ता है, इसलिए कि धूप जहाँ जहाँ जाती है ज़्यादा आती है तो वहाँ मुझे कुछ प्लांट्स रखने पड़ते हैं। इनको तो मैं रिमूव करती हूँ, फिर बाकिया वगैरह और चाइनीज़ वगैरह की प्लांट इनको नहीं करती, लेकिन बाकी प्लांट्स को मुझे करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ से अगर हम खड़े होते हैं तो हमारे गार्डन का लुक कुछ इस तरह से आता है। यहाँ भी कुछ प्लांट रखे हैं और इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो आगे तक मिले और बैक साइड पे प्लांट है, इंशाल्लाह आपको किसी दिन वहाँ की वीडियो भी दिखाऊंगी। तो इस तरीके से सारे प्लांट बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। आप भी लगाइए, थोड़ा सा कॉरिडोर आपको मिल जाए उसमें भी आप कुछ प्लांट्स लगा दीजिए, इनडोर प्लांट्स लगा दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत से प्लांट लगाइए जो ईजी टू ग्रो है, और इस पर मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं, उनको केयर कैसे करनी है। इन सारे प्लांट्स पर मेरे तकरीबन वीडियोज़ मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो के लिए अल्लाह हाफिज़।